एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी देखिए, मैंने पहन ली है साड़ी, लाइट वेट साड़ी है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हम जा रहे हैं मार्केट, मैं और मनीषा। तो हम मार्केट क्यों जा रहे हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मार्केट हम इसलिए जा रहे हैं कि जिस भुआ के साथ मैं पापा के गाँव गई थी ना, तो उन वाली भुआ की बहू का लड़के का आज है हवन और बर्थडे है, तो बर्थडे सेलिब्रेशन है, तो उसके लिए मुझे कपड़े लेके आने हैं। भुआ के पोता लगेगा ना, भुआ कहाँ, तो भुआ के पोते के लिए कपड़े लेने जा रही हूँ मैं मार्केट। तो मनीषा भी जा रही है, मनीषा भी जाएगी वहाँ पे भुआ के यहाँ पे, तो हम दोनों जा रहे हैं उनके लिए कपड़े लेने। तो आइए चलते हैं। तो जी कैसी लग रही हूँ मैं बताने ज़रूर। बहुत ही लाइट वेट साड़ी पहनी है मैंने, ताकि चलने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और आज मौसम भी इतना प्यारा हो रहा है कि साड़ी पहनने वाला मौसम है बिल्कुल। तो आप बताइए, ये साड़ी मेरी कैसी लग रही है? मैंने खुद ही बनाई थी एक, ये जो सीक्वेंस है ना, ये कपड़ा था तो मैंने 1.5 मीटर कपड़ा लिया था, इसी का ब्लाउज़ बनाया था मैंने। वो वाला ब्लाउज़ वेयर नहीं किया है अभी फ़िलहाल, तो ये वाला ब्लाउज़ वेयर किया है मैंने, क्योंकि वो ब्लाउज़ मेरे टाइट आया है, पहले बहुत पहले सिला था तो फिटिंग का था, अभी टाइट हो गया, तो मैंने दूसरा वाला ब्लाउज़ डाल दिया। ये भी थोड़ा सा मैच हो रहा है। तो क्या किया मैंने कि ये सीक्वेंस है ना, तो ये लंबे लंबे काट के ना मैंने पहले बॉर्डर बनाया, उसके बाद मैंने पाइपिंग में ये वाली लेस लगाई है, तो बहुत ही सुंदर साड़ी है ये, तो मैंने पहन लिया। और ये वाली चूड़ियाँ डाल ली है मैंने, ये देखिए सिंपल सी। तो आइए चलते हैं। पहले मैं जाऊँगी मनीषा के पास, उसके बाद मनीषा और मैं जाएंगे मार्केट। तो पैदल पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि रोड टूटे हुए हैं ना, तो इस वजह से कोई भी ऑटो वाला जा नहीं रहा है। तो पहले मैं पैदल पैदल जाऊंगी, थोड़ी सी वो पैदल पैदल आएगी, तो हम दोनों बीच में रास्ते में मिल जाएंगे, उसके बाद जाएंगे। तो जी मैं निकल गई हूँ, तो आप देख सकते हो रोडों का हाल, तो इस वजह से कोई ऑटो नहीं जा रहा है। वैसे तो गाड़ियाँ चल रही हैं काफ़ी सारी, लेकिन ऑटो बिल्कुल भी नहीं जा रहा वहाँ तक, मार्केट तक। तो मैं पैदल पैदल जा रही हूँ। तो जी नहर तक पहुंच गई हूँ मैं बड़ी मुश्किल से। सो एवरीवन, मार्केट से आके चेंज कर लिया है, ऐसी हालत हो गई, इतनी धूप और इतनी गर्मी। और जब हम जाने वाले थे ना मार्केट, तो इतना प्यारा मौसम हो रहा था, मैंने कहा साड़ी पहन के जाऊंगी, मौसम का फायदा उठाते हैं। और सुबह से इतना प्यारा मौसम था, और हम गए 12 बजे निकले थे हम यहाँ से, और देखिए वहाँ पहुँचे भी नहीं उससे पहले इतनी भयंकर वाली धूप निकल गई, और ऐसी हालत होगी बस पूछो मत। तो मैंने चूड़ियाँ तो अभी चेंज नहीं करी, लेकिन साड़ी वगैरह चेंज करके बैठ गई हूँ। तो मैं क्या लेके आई हूँ बच्चे के गिफ्ट के लिए, तो वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली मैं नीचे छोड़ दिए, मैंने तुली का लेने गई है। तो मनीषा की भी इतनी हालत ख़राब हो गई, उसकी तो वॉमिटिंग भी हो गई, इतनी गर्मी हो रही है ना, तो कुछ कह नहीं सकते। तो मैंने वहाँ पे कुछ भी सूट नहीं करा, तो उसके लिए रियली सॉरी, क्योंकि गर्मी में खुद को संभालना इतना मुश्किल हो रहा था, तो मैं सूट क्या करती, मैंने सूट बिल्कुल भी नहीं करा। अब देखती हूँ शाम को बर्थडे में जाएंगे, तो वहाँ सूट कुछ कर पाती हूँ या नहीं कर पाती, ये भी मैं अभी आपको बता नहीं सकती। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कपड़े, ये हैं कपड़े, ये देखिए, ये दिख रहे हैं आपको, ये इसका बैक है, और ये इसकी टी शर्ट है, ये इसका निक्कर है। तो सेम टू सेम मनीषा भी लेके आई है, बस डिज़ाइन और कलर चेंज है, रेंज सेम ही है। तो ये लेके आए हम उस बेबी के लिए, शाम को देखते हैं, अभी तो थोड़ी मैं रेस्ट कर लूँ, और सिलाई भी करनी है, सिलाई करूँगी बाद में, अभी मैं पहले रेस्ट करूंगी, उसके बाद आपको कुछ दिखाऊंगी। तो गाइस देखिए, हम खा रहे हैं बीज, दिख रहे हैं आपको खरबूजे के बीज। तो पापा लाए थे खरबूजा एक दो दिन पहले, तो मैंने उसको ना बीज को नहीं? एक कटोरी में डाल के पानी डाल के रख दिया था, वो सड़ गए, उसके बाद मैंने इनको धोया, एकदम क्लीन हो गए, एक भी इसमें खरबूजे की निशानी नहीं मिलेगी, एकदम क्लीन हो गया। अब हम इनको मिलके खा रहे हैं, बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं, तो आप भी आ जाइए।
गाइस इतनी नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। मैं अभी सिलाई करके और लेटी हुई हूँ एक मिनट। तो गाइस बिल्कुल भी मन नहीं है जाने का बर्थडे वगैरह में, इतनी थकान हो रही है और बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, सर में दर्द हो रहा है। अभी सिलाई करके जस्ट लेटी हूँ और टाइम 5:30 हो गया है, 6 बजे की वहाँ कथा है। और बिल्कुल मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं रेडी हो जाऊँ, और जैसे तैसे करके ना मैंने नेल पेंट लगा लिए, बिल्कुल मेरा मन नहीं है कि मैं रेडी हो जाऊँ। इतना अजीब सा लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो मनीषा भी कह रही थी मैं रेडी हो रही हूँ, दीदी रेडी हो जाओ, फ़ोन आया था अभी उसका, बिल्कुल मेरा मन नहीं कर रहा बहुत ज़्यादा थकान हो रही है आज गर्मी में ना, वहाँ जाना पड़ा ना मार्केट, तो इस वजह से पैदल पैदल जाना पड़ा इतनी धूप में ना, तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई। देखती हूँ कौन सी साड़ी पहनूंगी, कहीं जाओ तो ये टेंशन सबसे बड़ी होती है लेडीज़ों की कि कौन सी साड़ी पहने, रखने के लिए जगह नहीं है और पहनने के लिए कपड़े नहीं है, हर लेडीज़ की समस्या। तो अभी नीचे पापा भी आए हुए हैं मेरे ससुर जी, तो क्या लाएँ दिखाती हूँ आपको नीचे चल के, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, मन कर रहा है सो जाऊँ मैं तो, सुबह तक सो जाऊँ चलिए क्या करें, किसी ने मन से बुलाया तो यार जाना चाहिए है ना, और उन्होंने तो कहा था जल्दी आना, लेकिन अभी 6 बजे से तो क्या पहले ही जा पाऊँगी, अभी बच्चों को भी रेडी करना है, खुद को भी रेडी होना है। इतना इतना सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये चूड़ी नहीं पहन के जाऊँगी मैं, चेंज कर दूँगी, अच्छी नहीं लग रही ना। देखती हूँ साड़ी कौन सी पहनूँगी, और चूड़ी तो चूड़ा ही डाल लूँगी। चलिए देखती हूँ कौन सी साड़ी पहनती हूँ। गाइस ये वाली ड्रेस बनाई है, ये देखिए सुंदर लग रही है ना, ऐसी सेम टू सेम मैं बब्बू के लिए बनाने वाली हूँ, मुझे बहुत सुंदर लग रही है। वो सॉरी तुलिका के लिए बनाने वाली हूँ, वहाँ पे आप देख रहे होगे कटा हुआ काट के मैंने रखा हुआ है, आराम कर लूँ फिर देखूँगी, वहाँ से आ जाऊँ बर्थडे में से फिर देखूँगी। तो आप देख सकते हैं बहुत सुंदर लग रही है, आजकल चल रही है ये फ्रिल वाली, है ना सुंदर। तो बताइए गाइस कैसी लग रही है ड्रेस। तो तुलिका की कटिंग करके मैंने रखी हुई है वहाँ पे, अभी देखती हूँ वहाँ से बर्थडे में से आने के बाद रात को टाइम मिला तो इसको सिल के डाल दूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही आसान है, मुश्किल से 1 घंटा लगेगा सिलने में, तो मैं सिल दूँगी फिर इन दोनों की हो जाएगी। उसके बाद मम्मी का सूट आया हुआ है यहाँ पे सिलने के लिए, मेरी सासू माँ का, तो उनका सूट सिलना है, ये नाप का सूट है, तो फिर आज रात को इसका इसकी ड्रेस निपटा दूँगी मैं तुलिका की, और उसके बाद कल मम्मी का सिल दूँगी, तो मेरा काम आसान हो जाएगा, फिर फिनिश हो जाएगी सिलाई, बस मनीषा का बचेगा एक सूट, तो वो मैं सिल दूँगी आराम से दिल्ली से आने के बाद। अभी तो दिल्ली जाने का तो कोई नाम ही नहीं है, पूरी छुट्टियां निकलने ही वाली है, लगभग 15 दिन हो ही गई छुट्टियों को, तो पता नहीं इस बार जाएंगे भी या नहीं, दिल्ली दिल्ली हो रही है लेकिन जा नहीं रहे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसलिए नहीं जा रहे हम क्योंकि पेड़ों में पानी कौन देगा, क्योंकि हस्बैंड का काम दिल्ली से ही हो जाता है, तो इस वजह से हस्बैंड भी हमारे साथ जाएंगे, वरना कौन उनके लिए खाना वगैरह बनाएगा। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत ना पेड़ों की हो रही है कि पानी कौन डालेगा, क्योंकि पहले दीदी रहती थी रेंट पे तो वो डाल देती थी पानी, अभी कौन डालेगा ये समस्या है। देखते हैं इस बार जाएंगे या नहीं जाएंगे दिल्ली। गाइस देखिए मैंने इनको रेडी कर दिया है, तो कैसी लग रही है ये बताना ज़रूर, वो तो कर दिया मैंने रेडी, बस मैं बच रही हूँ, अब मैं रेडी हो जाती हूँ, देखती हूँ कौन सी साड़ी पहननी है, और सर में दर्द बंद नहीं हो रहा बिल्कुल भी। सो एवरीवन मैं हो गई हूँ रेडी तो ये मैंने छांट के और एकदम सिंपल सी साड़ी निकाली है ताकि गर्मी भी ना लगे और रेडी भी हो जाऊँ मैं, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, बहुत ही लाइट वेट साड़ी है तो पहली बार पहनी है। और ये देखिए चूड़ियाँ पहन ली है मैंने, चूड़ा अपना, अब हम चलते हैं
तो मैं पक्का नहीं कह सकती कि मैं वहाँ कुछ दिखाऊंगी, क्योंकि भाई आपको पता ही है मेरा शर्मीली, तो अगर मैं दिखा पाई तो दिखा दूंगी, वरना बुरा मत मानना गाइस। ठीक है गाइस, तो बताइए मेरी साड़ी कैसी लग रही है आपको, दिख रही है? एक मिनट, ये देखिए मेरी साड़ी अच्छी लग रही है। और यहाँ पे बब्बू भी आज सुंदर लग रही है। तो चलते हैं, 7 बजने वाले हैं, अब जाके रेडी हुई हूँ मैं। धीरे 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 सोचते 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 अब जाके हुई हूँ रेडी। तो यहाँ पे लाए पापा सब्जी, और ये लस्सी, और इसमें लड्डू, और ये खाली है तो ये लेके आए पापा। तो अभी तक हम लोग गए नहीं है, अब हम जा रहे हैं। तो ये मेरी शादी की मशीन है, इसकी जो मशीन थी वो मैंने पहले मंगवा ली थी, वो हाथ से चलाने के लिए काम आती है। तो कभी कभी यहाँ पे लाइट बहुत दुखी करती है, तो मैंने सोचा है कि इसको मैं बिना लाइट की बना लूँगी, तो इस पर बिना लाइट ना रहे जब काम कर लूँगी, अर्जेंट कोई हो तो उसको सिल लिया, तो इसलिए मैंने ये मंगा लिया। वहाँ पे वेस्ट ही पड़ा था, कोई नहीं इसको यूज़ करता था, तो यहाँ पे मैंने ये। तो अब भी हम निकलते हैं फटाफट से। गाइस बुआ के घर आ गए हम, ये है मनीषा, वो है मनीषा की सासू माँ, और ये है दोनों हो रही हेलो कर रही है यूं बोल दे कि मैं पिंकी हूँ, कॉल उठा लो। कौन सा है मेरे, ये तो नहीं पता। हैं बब्बू करी तूने मामा से नमस्ते, तुल्ली ले ले। अंधेरे में मुंह कैसा लग रहा है? तो गाइज आप भी खा लीजिए प्रसाद, सब लोग खा रहे हैं प्रसाद। कितना अंधेरा हो गया यार फोन में, हवन में तो हम लोग पहुंचे नहीं, अभी पहुंचे, प्रसाद तो मिल ही गया। बब्बू प्रसाद कैसा है, टेस्टी है? सो एवरीवन, यहाँ पे आ गई हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक, तो मनीषा देख रहे हैं मेरा व्लॉग, तो आप भी आ जाइए। तो जी यहाँ पर है डोरेमोन का केक, और ये है बेबी जिसका बर्थडे है, क्यूट सा। और ये मेरी बुआ खड़ी हैं उसके पीछे। Clapping. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. बस 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 चलो ऐसे करो, खिंचवा ले फोटो, ये बना देगी गोलो, तू बना दे, तू फोटो खिंचवा ले बाबू के, खिंचवा ले।
तो जी यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन हो चुका है, तो यहाँ पे हमारा खाना भी लग चुका है, तो आप भी आ जाइए खाने। तो ये हैं बर्थडे बॉय के मम्मी पापा दोनों। तो यहाँ चल रहा है हमारा खाना, तो आप भी आ जाइए। ये तो उड़ रहा, पकड़ ले। सो एवरीवन, घर पे आ गए हम और इतना मूड खराब हो रहा है, एक तो गर्मी, ऊपर से हैवी कपड़े, और सेकंड यहाँ पे ना लाइट नहीं रहती कभी भी। अभी आए हैं, सोच रहे थे लाइट रहेगी, पंखे कूलर चलाएंगे, क्या ही बोलूँ मैं लाइट वालों को। सिर्फ हमारा फेस गया हुआ है, बाकी सामने वालों का फेस आ रहा है, और इतना मूड खराब हो रहा है। मैं सोच रही थी कि चैन से घर पे जाके सोऊंगी, तो ऊपर चल रही है बहुत अच्छी हवा, तो मैं जा रही हूँ ऊपर, चेंज कर लेती हूँ, सबसे ऊपर लेटेंगे आज। तो जी आज का वीडियो आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो जितना भी मैं शूट कर पाई बर्थडे का वो मैंने कर लिया, तो आप देख लेना। तो मिलते हैं फिर से ऐसी अच्छी सी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। बाय, लव यू ऑल।